जाग दिला रमजान मुबारक फिर सर तेरे ते आया तू कि इस दी खिदमत कारण ते है समान बनाया साल पिछों तशरीफ लियाया यार कदी सोचते सही पिछला रमजान दरमियान दे अंदर एक साल दा अरसा गुजरिया पिछले रमजान तो लैके आज दे दिन तक जरा नजर मार खा किन्ने ऐसे प्यारे ने जड़े पिछले रमजान विच है सन ते आज नजर नहीं आ रहा कईयां वीरां नू वीर नजर नहीं आ रहा कई पिछले साल मापे है सन औलादा नजर नहीं आ रही कई औलादा नू मापे नजर नहीं आ रहा कई पुत्रा ने अपने बाप दे जनाजे अपने हथी टोरे ने कई मापिया ने अपने जवान बेटिया दे जनाजे आप अलविदा किते ने कई भैणा दे वीरा दा साया सर तो उठ गया किन्ने ऐसे प्यारे ने पिछले साल है सन ते आज नजर नहीं आ रहा अख दा रोजा कन दा रोजा ते रोजा दिलों बजानो तन दा रोजा मन दा रोजा ते रोजा रख जबानो ऐ मोमिन तू रख ले रोजा ऐ मोमिन तू रख ले रोजा जो तेनू पहुंचाया जान दो औलादा वाले जिन्हों के बेटे गुम हो जान फौत हो जान ते वो ते शायद भुल जान कदी ते जेड़े गुम होए ने दूर गए ने उन्हां दियां यादां कदम कदम ते सतांदियां ने फौत हो जान आप बंदा चार बुक मिट्टी पा लैंदा है फौत हो जान आप कबरें दफना लैंदा है ते किते ना किते दिल नूं चैन सुकून ते सबर आ जांदा ते जेड़े गुम होए ने उन्हां दियां यादां कदम कदम ते सतांदियां ने अरे इस वास्ते आंदे ने हथीं दफन जिन्हां नूं करिए ओए हथीं दफन जिन्हां नूं करिए लथे आस तिन्हां दी अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु والصلاه والسلام على من لا نبي بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
ربك حميد مجيد رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبو اور عزیز ساتھیو اللہ خالق و مالک دی مہربانی اور کرم نوازی نال رمضان المبارک دیاں پرمسرت بہاراں اللہ نے زندگی اندر ایک مرتبہ پھر اہل ایمان نو نصیب فرمائیاں نے قسمتاں والے نصیباں والے او لوگ نے جڑے انہاں دناں اور راتاں تو فائدہ اٹھا کے اپنے خالق اور اپنے مالک نو راضی کر لین گے دعا فرماؤ اللہ سانو ساریاں نو اس مبارک مہینے دے اندر اپنے سابقہ گناہاں دی معافی اور آئندہ سانو کتاب و سنت دے احکامات دے مطابق اللہ زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے تمام عبادات ان تمام عبادات دی ایک بیس ہے ایک بنیاد ہے اگر او بیس مضبوط ہوئے تو ان تمام عبادات دا فائدہ ہوئے گا اور اگر خدا نہ خواستہ او بیس کمزور ہو گئی تو پھر جتنیاں عبادات نے ان عبادات دا اللہ دے دربار اندر کوئی کوڈی مول نہیں پہنا
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जेड़ी बुनियाद बयान फरमाई है ना, उस बुनियाद ते जरा गौर फरमाना। मेरे और तुहाडे पीर और मुर्शद जनाब मुहम्मद, जरा प्यार ना कहो सल्लल्लाहो, एदी आवाज थोड़ी ठीक करो, बेहतर करो। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम दी जेड़ी बुनियाद बयान फरमाई है, जरा गौर करे जे। आप फरमांदे ने बुनियाल इस्लाम अला खम्सिन, बुनियाल इस्लाम अला खम्सिन, शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकाम इस्सला व ईता इज़्ज़का वल हज व सौम रमज़ान। पांच चीज़ों का तज़किरा अल्लाह ने फरमाया, किन्निया चीज़ा? हौली हौली बोल दो, इफ्तारी कर आए हो? हाँ कर रहे हो गए जे, करनी जे माशाल्लाह। अल्लाह तुहाडा तशरीफ लियाना कबूल फरमाए। साहबजादा मौलाना समीउर रहमान रब्बानी साहब, माशाल्लाह तुहानू बड़ा प्यारा खिताब सुनाया, और इस मस्जिद दे खतीब मौलाना शब्बीर अहमद साहब, माशाल्लाह बड़ा पुर मगज तुहानू खिताब उन्हां सुनाया। मैं इंशाल्लाह बड़े इख्तिसार ना एक दो बातें कह के तुहाडे कोलों इजाजत चाहांगा। तुसां सवेरे सहरी भी रखनी है, कितने नरिन्ना रख के सारा दिन मैनू बद्दुआवां ना देंदे रहा जे। गौर फरमाया जे जरा, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने पंजा चीज़ां दा तज़किरा फरमाया। आप फरमांदे ने बोने यल इस्लाम अला खम्सिन, पांच बुनियादा ने इस्लाम दियां केड़ियां? शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अपनी जबान तो इकरार करना, यानी आम सादा लफ्ज च पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यानी अल्लाह एक है, ईमान होना चाहिए अल्लाह एक की माना, इबादत दे लायक अल्लाह, मुश्किल कुशा भी अल्लाह, हाजत रवा भी अल्लाह, बिगड़िया बनाने वाला भी अल्लाह, गंज बख्श भी अल्लाह, ते रंज बख्श भी अल्लाह है, भी कल्ला है। इबादत कल्ले अर्श वाले रब दी करनी है, ईमान दा तकाजा एवे ओ दी रबूबियत नू मन्या जाए, ओ दी उलूहियत नू मन्या जाए, ओ दी वहदानियत नू मन्या जाए। ते जे जबान तो कलमा भी पढ़ी जांदा, ते अल्लाह ना गैरा नू शरीक भी करी जांदा, ते रब दे दरबार च इस कलमे दा कोई फायदा। और एक साहिबे दिल ने कहा, अंदा ला इला दे आखन कारण, ला इला दे आखन कारण, ते एक सही के तो होई, इल्लल्ला दे आखन कारण, ला इला दे आखन कारण, ते होर इला नहीं कोई, इल्लल्ला दे आखन कारण, ते एक सही के तो होई, मुहम्मद रसूलुल्लाह दे आखन कारण, ते दिल दा कुफर गयोई,
ओए कलमा पढ़ के जे शिरकी करे तेरा बेड़ा ही गर्क गयोई। दुआ करो अल्लाह सानू शिरक दी बीमारी तो बचा के रखे। मैं दस रहा हूं जबान तो इकरार करना अल्लाह दे अलावा इबादत दे लायक कोई नहीं। प्यारे पैगंबर अली सलाम दी नबुवत खत्मे नबुवत दा इकरार शहादत है। अल्लाह दी गवाही नबी पाक अली सलाम दी गवाही ते नंबर दो आप फरमांदे ने वाइकाम नमाज अदा करनी है नमाज नहीं ते दीन नहीं। साढ़े नमाजी खैर ना कई ने हफ्ते दे नमाजी कई ने महाना नमाजी कई ने सलाना नमाजी क्यों हजरत कई ने सलाना नमाज कईयां ने ये अंदर शक नहीं अगर ईमान की दौलत होए ना मौजूद तो मेरे पाक पैगंबर अली सलाम फरमाते ने इधरों फजर की नमाज पढ़ के गया शर्ते वे कबीरा गुनाह ना करे शिरक ना करे। इधरों फजर की नमाज पढ़ के गया ते फिर आके जोर दी पढ़िए दरमियान विच जिन्ने गुनाह किते ने अल्लाह सारियां ते मुआफी दे कलम फेर दिंदे ने। लेकिन शर्त ए वे कबीरा गुना कोई ना करे अल्लाह नाल शिरक ना करे। फिर जनाब जोर पढ़ के जांदा असर दी आप पढ़िए दरमियान विच जिन्ने गुनाह ने अल्लाह सारे ही मुआफ फरमा देंदे ने। अच्छा फिर ईमान कामिल यकीन कामिल प्यारे पैगंबर अली सलाम फरमांदे ने एक जुमा पढ़िया ते फिर अगला जुमा आके पढ़िया दरमियान विच जिन्ने गुनाह हो गए ने अल्लाह सारियां ते मुआफी दे कलम फेर देंगे। सुभान अल्लाह। और इस तो भी अगली गल दे नबी पाक अलैहि सलाम फरमांदे ने रमजान उल मुबारक दा महीना अल्लाह ने तौफीकां अता फरमाया। रमजान दा महीना पूरा 29 या 30 दिन इन्ने मुसलसल रोजे रखे ने अपने अल्लाह नू राजी करन वास्ते ते फिर सारा साल अपने अल्लाह दियां इबादत दे अंदर वक्त गुजारदा है यानी शिरक नहीं करता। गलती कमी कुताई गुनाह वादे घाटे ओते बतकाजा बशरीयत बंदे कोलों हो ही जांदे ने। कबीरा गुनाह दा इरतकाब ना करे ओना वास्ते बकायदा अलग तौबा करनी पैंदी है वरना रमजान तो लैके अगले रमजान तक साल दे दरमियान जिन्ने गुनाह कीते ने अल्लाह सारियां ते मुआफ़ी दे कलम फेर देंदे ने। दुआ करो हाँ अल्लाह सानू इस महीने दी कदर करन दी तौफीक अता फरमाए। आप फरमांदे ने वाइकाम सलात वाइता ज़कात वाला हज वसौम रमज़ान पांच चीज़ां ने इस्लाम दे अरकान विचों ते इन्हां पंजां चीज़ां दी बुनियाद किदे ते वे ओ है तकवा की है ओ है तकवा। तमाम तर इबादत उन्हां सारियां इबादतां दा ए बुनियाद तकवा है। नमाज बहुत बड़ी इबादत है नमाज बहुत बड़ा अजर है नमाज बहुत बड़ा सवाब है। लेकिन मेरे पाक पैगंबर अली सलाम दा फरमाने गिरामी जेड़ा बंदा नमाज पढ़दा है इसलाह करिए मैं अपनी ते तुसा अपनी अपनी सोने इसलाह करन दी कोशिश करिए। नबी पाक अलैहि सलाम फरमांदे ने नमाज पढ़ना बहुत बड़ा अमल है। दस रहा सुन अल्लाह जुल जलाल गुनावां ते मुआफियां दे कलम फेर देंदे ने बहुत बड़ा अजर ते सवाब है। लेकिन एक बंदा नमाज पढ़दा
कला पढ़ता है तो टकरा ही मारी जाता मगरों लाता और रब का फर्ज भी अदा करना है जी। हुण फिर की करिए दुकान छड़ के आए हैं जल्दी वापस जाना है। कला पढ़ता है तो टकरा ही मारदा ते जे किसी की नज़र पै गई है ते ज्यों फिर सजदे पे आ ज्यों रुकुए पे आ बल्ले बल्ले लोकी समझते ने बड़ा पक्का नमाजी है भाई ज्यों सजदे जांदा ज्यों रुकुए जांदा ये ते जनाब बड़ा वड्डा पहुंची सरकार है अल्लाह दा वली है। नमाज ए दे विच खुदा न खासदा मिलावट आ गई है दिखलावे दे ते मेरे पाक पैगंबर दा फरमान सुन लो आप फरमांदे ने मन अल्लाह जोराई फाकद आशरा का जिन्ने दिखलावे दी नमाज पढ़ी ओने शिरक कीता। एडी वड्डी इबादत है ते पल्ले ही कुछ नहीं पिया आप फरमांदे ने जिन्ने नमाज पढ़ी दिखलावे दे मन सल्ला योराई फकाद आशरा का जिन्ने दिखलावे दी नमाज पढ़ी उन्हें अल्लाह नाल शिरक कीता। अल्लाहुम्मा ला तजालना मिनहुम अल्लाह असीं बड़े गुनाहगार हाँ सानू ऐस लानत ते ऐस बीमारी तो बचा के रखी। और मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर तशरीफ फरमाने ते एक ताबी आए आके वेख्या माहौल एक आदमी बैठा जानते नहीं सने कौन है ते लोग उन्हां कोलों करीब आउंदे ने उन्हां कोलों मसले मसाइल पुछदे ने मसाइल दरियाफ्त करदे ने ते जदों सारे लोग अपनी अपनी गलबात करके फारग हो गया ते ए जनाबे अबू हुरैरा दे करीब आउंदे ने पुछया किसे कोलों भी कौन हस्ती है जिन्हां दे चार जुफेरे लोग आउंदे ने इन्हां कोलों मसाइल दरियाफ्त करदे दसन वाले दसिया ए नबी पाक अलैहि सलाम दे सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ए ताबी नबी पाक दे सहाबी दे करीब होए कहन लगे जी मैं जनाबे अबू हुरैरा हजरत तुहाडी ज़ियारत हो गई है अल्लाह ने करा दीती है ते मैं एक अर्ज करना चाहना वा। हाँ जी दसो की आंदे हो कहन लगे कोई ऐसा सी गल मैनू दसो जड़ी तुसा अपने कन्ना नाल नबी पाक कोलो सुनी होए। हुण जनाबे अबू हुरैरा हालांकि बहुत सारिया हदीसां दे रावी ने कहन लगे जी अपने कन्ना नाल नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम तो तुसां जेड़ी हदीस जेड़ी गल सुनी होए जरा मैनू भी इरशाद फरमाया जे। हजरत अबू हुरैरा फरमांदे ने अल्लाह की कसम है मैं जरूर बयान करांगा ते आप बेहोश हो के जमीन ते गिर जांदे ने। थोड़ी देर बाद तबीयत जरा बेहतर होंदी है फिर फरमांदे ने मैं जरूर तुहानू ओ गल दसांगा जड़ी मैं अल्लाह दे पाक नबी कोलो इन्ना कन्ना ना सुनी है ते फिर बेहोश हो जांदे ने। तीसरी दफा फिर बेहोश हो जांदे ने। हुण जरा तबीयत संभली ते जनाबे अबू हुरैरा फरमांदे ने ए जड़ी जगह ते असी बैठे हां ना इसे जगह ते बैठे हां मैं इन्ना कन्ना नाल नबी पाक अलैहि सलाम कोलो ये रवायत ये अल्फाज सुने ने। आप फरमांदे ने अबू हुरैरा कयामत दा दिन होएगा अल्लाह दा दरबार लगा होएगा ते रब्बुल आलमीन कुर्सी इंसाफ ते तशरीफ फरमा होंगे फैसला बादियो अल्लाह जुल जलाल कुर्सी इंसाफ ते तशरीफ फरमा होंगे। इन्ने कहर ते इन्ने गुस्से विच ना इस तो पहला कदी होए ने ते ना इस तो बाद कदी होंगे ते मेरे आका फरमांदे ने अबू हुरैरा अल्लाह जुल जलाल दी तरफों आर्डर मिल जाएगा लिया भाई हिसाब किताब शुरू करिए। हिसाब किताब शुरू होन लगा ते अल्लाह जुल जलाल दे सामने तिना बंदिया नू पेश कीता जाएगा उन्हां चो एक आलमे दीन है उन्हां चो एक सखी है उन्हां चो एक शहीद है इन्ना
तो हिसाब किताब शुरू होना जे अल्लाह जुल जलाल दे दरबार दे अंदर पेश कीता जाएगा। अल्लाह फरमान गे दस खां तू की जिंदगी गुजार के आया। ए आंदा अल्लाह मैं तेरे रस्ते च लड़दिया लड़दिया अल्लाह दिन नहीं वेखिया, रातां नहीं वेखिया, सर्दियां नहीं वेखिया, गर्मियां नहीं वेखिया, अल्लाह दुश्मन कमजोर है ता नहीं वेखिया, दुश्मन ताकतवर है ता नहीं वेखिया, अल्लाह मैं इन्ना तेरे राह विच लड़दा रहा वा कि आखर मैं अपनी गर्दन कटवा के तेरे दरबार अंदर पेश हो गया वा। अल्लाह मैं शहादत दा मनसब पा के आया। अल्लाह जुल जलाल फरमान गे कज़बता झूठ बोलने पिया, बकवास करने पिया, तू ते तां लड़दा रे लोग तेरियां तारीफां करन, तू ते तां लड़दा रे लोग तैनू पहलवान आखन, तू ते तां लड़दा रे लोग तेरी बहादरी दे किस्से बयान कर, झूठ बोलना पिया। इस वास्ते फरिश्तो इस जालिम नू फड़ लो ते पुठियां करके जहन्नम दे विच सुट दिता जाए। तौबा अल्लाह मेरी तौबा। मेरे पाक पैगंबर अली सलाम फरमांदे ने फिर अल्लाह दे दरबार अंदर सखी नू पेश कीता गया, मैं तैनू माल ते दौलत अता फरमाए, किथे लुटा के आया, किथे खर्च करके आया, अल्लाह मैं माड़ियां ते गरीबां ते यतीमां ते मिसकीनां ते बेवगान ते मस्जिदां ते मदरसियां ते अल्लाह मैं दिन रात इनू तेरे राह विच खर्च करदा रहा। अल्लाह फरमान गे कज़बता झूठ बोलना, तू ते तां खर्च करदा रहा, लोग तैनू सखी आखणगे, लोग तेरियां तारीफां करणगे, लोग तेरा दुनिया ते चर्चा करणगे, ओ लोकां ने तैनू बड़ा कुछ कह लिया, मेरे दरबार अंदर तेरे वास्ते कुछ नहीं, इनू भी फड़ लो ते जहन्नम च सुट दियो। अल्लाह मेरी तौबा। आलमे दीन आया और दस जिंदगी किथे गुजार के आया। अल्लाह मैं दिन रात तेरा कुरान पढ़दा रहा, दिन रात तेरे नबी दी सुन्नत पढ़दा पढ़ांदा रहा। अल्लाह मैं सर्दियां गर्मियां दी परवाह नहीं कीते, मैं दिन रात तेरे कुरान दी तबलीग करदा रहा, दावत सुनांदा ते पहुंचांदा रहा। अल्लाह फरमान गे कज़बता झूठ बोलना पिया, तू ते तां कुरान दियां तिलावतां करदा से, तां वाजां करदा से, तां तकरीरां करदा से, तां हदीसां पढ़दा पढ़ांदा से, लोग तैनू हजरत साहब आखण, लोग तैनू मौलाना साहब आखण, लोग तैनू मुफ्ती साहब आखण, लोग तैनू शेख साहब आखण, ओ लोकां ने तैनू बड़ा कुछ कह लिया, फरिश्तो इहनू वी फड़ लो ते जहन्नम च पुठियां करके सुट दियो। मेरे पाक पैगंबर सलाम दे सहाबी हजरत अबू हुरैरा फरमांदे ने मैं इत्थे ही बैठा सां, इत्थे मुस्तफा बैठे सन, ते आप ऐ बयान करके ना ते इंज मेरे रान ते हाथ मारिया, ते आप फरमांदे ने अबू हुरैरा आओ तीन बद नसीब ने जिन्हां नू थल्ले रख के जहन्नम नू बालिया जाना। दुआ करो अल्लाह इन्हां तिन्ना बीमारियां तो सानू बचा के रखे। मेरे भाई मेरे बरादर आइए जरा गौर फरमाना, नमाज बहुत बड़ा अमल है। अगर नमाज अंदर रियाकारी आ गए, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने मन सल्ला युराई फकद अशरका, जिन्ने नमाज पढ़ी दिखलावे दी उन्हें अल्लाह ना शिरक कीता। अच्छा रोज़ा बड़ी वड्डी इबादत है, ते रोजे दा पता या रखन वाले नू है ते या इन्हां दोवां तो इलावा छेती कीते आ किसे नूं पता लगदा। बाकी ये बातां जे नमाज है बंदा पढ़ने वास्ते आउंदा, बड़ा भी लोके पढ़े घर ते पढ़ नहीं सकदा। नबी अली सलाम ने फर्जी नमाज तो मना फरमाया, जमात ना पढ़ो, जमात ना पढ़ेगा जाहिर है नमाज है चुको 10 20 50 100 बंदा होएगा, एक दूसरे नूं जानदे पहचानदे होणगे,
कईयां नूं पता लगेगा नमाज पढ़न आया, उमरा करन गया, हज करन गया, सैकड़ों नहीं हजारां वेंदे ने। रोजा या अल्लाह जानदा ते या रखण वाला जानदा। जब तक आपने दसे एवें जिथे चार जी बैठे ने उत्थे जा बुल्लां ते जी फेरी जांदे, अज ते बड़ा ही रोजा रखा है, बोले जी अज तो बड़ी गर्मी है जी, बड़ा अज रोज़ा लगन दिया, ताकि जिया पता लगे भी हजरत साहब ने रोज़ा रखे। दसेगा तो पता लगेगा। मेरे भाई मेरे बरादर, तमाम इबादत की बुनियाद तकवा है। अल्लाह सुल कुरान ने इस वास्ते रमजान के हवाले ना फरमाया, अल्लाह फरमाते ने या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन कबलिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ईमान वालियो, असा रमजान दे रोजे तुहाडे ते फर्ज कीते ने, असा रमजान दे रोजियां दा तुहानू पाबंद फरमाया। अल्लाह जुल जलाल दी रजा दी खातर रखो रमजान दे रोजे, इन्ना रातां तो फायदा उठाओ। एक साहिब दिल ने बड़ी प्यारी गल कीती है, आंदा जाग दिला रमजान मुबारक, जाग दिला रमजान मुबारक, फिर सर तेरे ते आया, तू की इस दी खिदमत कारण ते है समान बनाया। साल पिछों तशरीफ लिया, यार कदी सोचते जे पिछला रमजान दरमियान दे अंदर एक साल दा अरसा गुजरे है, पिछले रमजान तो लैके आज दे दिन तक जरा नजर मार खां, किन्ने ही ऐसे प्यारे ने जड़े पिछले रमजान विच है सन ते आज नजर नहीं आ रहा। कईयां वीरां नूं वीर नजर नहीं आ रहा, कई पिछले साल मापे है सन औलादा नजर नहीं आ रही, कई औलादा नूं मापे नजर नहीं आ रहा, कई पुत्रा ने अपने बाप दे जनाजे अपने हथी टोरे ने, कई मापिया ने अपने जवान बेटिया दे जनाजे आप अलविदा किते ने, कई भैणा दे वीरां दा साया सर तो उठ गया। किन्ने ही ऐसे प्यारे ने पिछले साल है सन ते अज नजर नहीं आ रहा, साल पिछों रमजान प्यारा। ओए किस्मतां वालियो, नसीबां वालियो, इन्हां दिनां दी कदर कर लो, इन्हां दी कदर कर ले, दुनिया ते भी फायदा ते कल हशर नूं भी फायदा होएगा। साल पिछों तशरीफ लिया ए रमजान महीना, ते जो नहीं इस दी इज्जत करदा ओ है बेसमझ कमीना। ते क्या रोजा सिर्फ एदा ना ही है कि सुबह तो लैके शाम तक बंदा भुखा रवे, सुबह तो लैके शाम तक बंदा प्यासा रवे, क्या एदा नाम ही रोजा? नहीं, अख दा रोजा, कन दा रोजा, रोजा भी रखिया ते झूठ भी बोली जांदा, रोजा भी रखिया घट भी तोली जांदा, रोजा भी रखिया लोकां दे हक भी खाई जांदा, रोजा भी रखिया बाजार दे अंदर गैर महरमां नूं भी तक्की जांदा, रोजा भी रखिया ए कन्ना नाल लगवियात ते गाने ते बकवासात भी सुनी जांदा। कोई फायदा नहीं ऐसे रोजे दा। रोजा रखिया तनमाज एक नहीं, ते जे नमाज नहीं तो फिर रोजे का भी फायदा? कई एडे सियाने होंदे ने आंदे ने नबी अली सलाम ने फरमाया जन्नत के अठ दरवाजे ने, ते चलो नमाज आला छड़ के रोजे वाले चो लंघ जाएंगे, नमाज आला छड़ के रोजे वाले दरवाजे चो लंघ जाएंगे,
सोनिया जे जे नमाज नहीं तो फिर रोजे का भी फायदा, फिर रोजे साढ़े एक दोस्त ने हजरत ईद के मौके पर ना कुरबानी के मौके पर बड़ी ईद के मौके पर जुमा पढ़ाया किसी जगह पर, कह लगे मैं जुमे च बयान किया भाई जिस बंदे ने नमाज नहीं पढ़नी ओदी कुरबानी करन दा कोई फायदा नहीं। आंदा फारग हो एक बुजुर्ग बैठे कह लगे वाकई जेड़ा नमाज नहीं पढ़ता ओदी कुरबानी कोई नहीं, मैं कोई नहीं, कह लगे चलो फिर अगों ना करांगे है जी, चलो फिर अगों ना कर, वो चाहिदा थे वे पापिया जालिमा नहीं पढ़ता ते रब ना वादा कर या अल्लाह पिछे जो हो गया मैं माजरत खावां ते अगों चलो असी नमाज भी पढ़ांगे, उन्हें नहीं कबूल होंदी ते फिर करन दा फायदा ही कोई नहीं, एवें पैसे ही जाया करने वाली गल है। दुआ करो अल्लाह सानू सारियां नू पक्के सच्चे नमाजी बना दे। अख दा रोजा कन दा रोजा ते रोजा दिलों बजानो, तन दा रोजा मन दा रोजा ते रोजा रख जबानो, ऐ मोमिन तू रख ले रोजा, ऐ मोमिन तू रख ले रोजा जो तेनू पहुंचाया, ओ साल पिछों तश साल पिछों रमजान प्यारा फिर नाल नसीबा आया। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने रमजान दे एक महीने दे रोजे रखन दा नतीजा फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, अल्लाह तुहाडे दिलां विच तकवा पैदा फरमा देंगे। सुभान अल्लाह, और बतौरे खास रमजान दियां रातां च दिलां नू पाक करो, दिलां नू साफ फरमा लो, अल्लाह दा डर इन्हां दिलां विच पैदा कर लो। अल्लाह दी कसम है आम दिनां अंदर वे आम रातां दे अंदर वे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम पहले आसमान यानी आसमान दुनिया ते तशरीफ लै आउंदे ने ते रब्बुल आलमीन, हालांकि पंजाबी दी एक मिसाल है प्यासे खूह वल जांदे ने कदी खूह प्यासियां वल चल के आए, क्यों जी इंज ही हुंदा ना प्यास जिन्हों लगी है ओए ओने ही टूटी वाल चल के जाना, कभी टूटी भी मसीह के अंदर आ वड़ी है भी तैनू बड़ी प्यास लगी है पानी पी लै, ओ खालिक है ओ मालिक है ओ दाता है रज़ाक है जब्बार है कहार है, उन्हों ते साड़ी किसे सूरत असी मनीए ना मनीए इबादत करिए ना करिए नमाज पढ़िए ना पढ़िए जो करना अपने वास्ते ही करना, मेरे रब नू फर्क कोई नहीं पैंदा। ओए लोड़ सानू है गुनाह बख्शवान दे, लोड़ सानू है अल्लाह कोलों तौबा ते इस्तगफार करन दे, असी घराड़े मारन डे आ खैर नाल ते ओ आवाज़ा दे दे के कह रहा हल में मुस्तगफिर, हल में मुस्तगफिर है वे कोई ऐसा गुनाहगार बंदा जड़ा मेरे कोलों मुआफियां मंगे, है वे कोई ऐसा गुनाहगार बंदा जड़ा गुनाह कर कर के थक गया है, है वे कोई ऐसा गुनाहगार बंदा जड़ा गुनाह ते जुर्म कर कर के थक गया है, आए मेरे दरवाजे ते आके ते मैनू एक बारी रो के वखा देवे, मैं ओदी जिंदगी दे पिछले सारे गुनावां ते मुआफी दे कलम फेर छड़ा। ए मेरे मालिक एक सवाल पैदा हुंदा है, असां दुनिया च वेखिया लोग लोगां नू
माफ कर देंदे ने, गलती हो जाए ते गलती दी मुआफी लभ जांदी है। अल्लाह बंदा बंदे नु माफ कर देंदा, तुसी रहमान हो तुसी भी माफ कर देंदे हो, फिर इंसान दा ते रहमान दा फर्क आदा रह गया। अल्लाह फरमांदे ने ओ मेरा कुरान पढ़ो, फरमाया इल्ला मन ताबा। कुरान में तेरी अजमत तो सारा जहान कुर्बान करा ते हक अदा ना होए। फरमाया इल्ला मन ताबा व आमन व अमल अमलन सालेन फाउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीम। फरमाया इंज करो, कुरान पढ़ो, इल्ला मन ताबा व आमन व अमला अमलन सालेहन। 10 साल 20 साल 50 साल उम्र 60 70 80 साल नू पहुंच गई है ते सारी जिंदगी हराम ही खान ते लक बनी रखे है। सारी जिंदगी अल्लाह दिया ना फरमानिया ते कमर बस्ता रहे है। सारी जिंदगी मालिक दिया ना फरमानिया गुजार दीती है। हाय कादे वास्ते, ओ जी बच्चियां वास्ते कोई कमाना चाहिए, बच्चियां वास्ते कुछ बनाना चाहिए। हाँ सोने जरूर बनाना चाहिए, बहुते हराम नालों थोड़ा हलाल बच्चियां नू खुआ ले, तेरे वास्ते दुनिया दे अंदर भी फायदा मंद होंगे, आखरत नू भी फायदा मंद होंगे। आंदा जी बच्चियां वास्ते कुछ बना लेना चाहिए, ते जिन्ना बच्चियां वास्ते हेरा फेरियां करदा रहा, जिन्ना बच्चियां वास्ते डाके मारदा रहा, जिन्ना बच्चियां वास्ते चोरियां करदा रहा, जिन्ना बच्चियां वास्ते रिश्वतां खांदा रहा, जिन्ना बच्चियां वास्ते लोकां दियां जायदादां ते कब्जे करदा रहा, जिन्ना बच्चियां वास्ते मकाना दुकाना ते नजायज कब्जे करदा रहा, ओ जिवें दा रिज़क खुआया है औलाद भी ते उंज दी बननी है। हुण कल दे बच्चे अज जवान हो गए ने, ते उन्हां बुढ़े बाबे नूं धक्का दे के घरों कढ छड़िया है, ते इस अल्लाह वाले ने 50 60 साल अल्लाह दियां ना फरमानियां गुजार दिते ने, हुण 70 80 सालां नूं पहुंच गया। सारी जिंदगी मस्जिदा ते रुख ही नहीं कीता, घरों निकलिया इन्हें सीधा आ गए मस्जिद दी नुकरे अपना बिस्तर सुटिया, लोग नमाज़ां पढ़ के चले गए ते ए ना अपने मालिक दे सामने बह गया। अंदारशां वालिया जिन्ना बच्चियां वास्ते इन्ने पापड़ वेले ने, जिन्ना वास्ते इन्ना खज्जल होया, जिन्ना वास्ते इन्ने धक्के खाधे ने, अल्लाह उन्हां बच्चियां ने धक्का दे दिता। अरशां वालिया तेरे दरवाजे चो भी खैर पै सकदा के नहीं? अरशां तो आवाज आउंदी है, ओ कमला तेरे आउण विच ते देर हो सकती है, मेरे माफ करने विच देर कोई नहीं, तेरे आउण विच ते देर हो सकती है, मेरे माफ करने विच देर कोई नहीं। मैं कुरान दे अंदर ऐलान कर रहा, इल्ला मन ताबा व आमन व अमला अमलन सालेहन फाउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। दिल सच्चा लैके आ, पिछलियां दी माफी ते माजरत कर लै, अगों ना करन दा वादा कर लै। मैं तेरे 80 सालां दे गुनाह सिर्फ माफ नहीं करांगा, नेकियां बना के तेरे नाम अमाल च लिख देवांगा।
फर्क इंसान ते रहमान दा। मैं नेकियां बना के तेरे 80 साल दे गुनावां नूं, तेरी 80 साल दियां लगशां ते गलतियां नूं मैं तेरियां इबादतां दे अंदर कन्वर्ट कर देंगा, उन्हां दे अंदर बदल देंगा। फाउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात वकानल्लाहु गफूरर रहीमा। फरमाया आते सही मेरे दरवाजे ते, मैनू कुछ कहते सही, मेरे सामने को तरला मिन्नत करते सही, मेरी रहमत दा दरिया वगदा। ओ गुनाहगारो, ओ खताकारो, ओ सियाकारो, मेरी रहमत दा दरिया वगदा, दरिया भी बेबहा वगदा, मेरी रहमत दा दरिया वगदा, दरिया भी बेबहा वगदा, मेरे बूए आके बह जाओ, मेरिया रहमत लुट के ले जाओ, मेरे बुए आके बह जाओ, मेरिया रहमत लुट के ले जाओ। मैं मुआफ करा, मैं मुआफ करा, मैं पापियां दे दिल साफ करा। कदी अपने मालिक ना तारा जोड़ते से, फरमाया हल में मुस्तगफिर है। वे कोई ऐसा बंदा जेड़ा मेरे कोलो गुनाह दी मुआफी मंगे ते मैं उदे गुनावां ते मुआफी दे कलम फेर दिया। हल में मुस्तशफिर है। वे कोई बीमार बंदा मेरे कोलो आके सेहत मंगे ते मैं अपनी रहमत ना शिफावां ता फरमा दिया। है वे कोई बे औलाद बंदा मेरे को औलाद मंगे ते मैं रहमत दे दरवाजे खोल दिया। आप पिछली राती बुला बुला के कह रहा, आप आवाजा दे के आंदा है, ओए पिछली राती रहमत रब दी। गुनागारो खतागारो, पिछली राती रहमत रब दी, ओ करे बुलंद आवाजा, ए मंगन वाले कारण खुल। मंगन वा मंगे ना कोई ते फिर ते ओदी किस्मत। मंगन वाले कारण खुल, उस दाता दा दरवाजा, उस सखी दा छड दरवाजा, उस सखी दा छड दरवाजा, ते जो गैरां वल जावे ओ ना मुराद रहे विच दुनिया, कदी मुराद ना पावे। अल्लाह जुल जलाल फरमा रहे ने बुनियाद तकवाए। कुरान दा एक दूसरा मकाम, अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने वा मैयत्ता किल्लाहा। रोजे वास्ते भी तकवा चाहिए, नमाज वास्ते भी। हौली हौली बोल दे जिवें तुहानू कोई नहीं चाहिए। नमाज वास्ते भी तकवा चाहिए, हज वास्ते भी तकवा चाहिए, जकात वास्ते भी तकवा चाहिदा है। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने वा मैयता किल्ला याज अल्लाह मखरजा वा यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब वा मैयतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अमरिही।
قد جعل الله لكل شيء قدرا अगर तकवा नसीब हो जाए होर भी बड़े फायदे ने। दो फायदे बतौरे खास अल्लाह जुल जलाल नसीब फरमाते ने। वमैयत्तकिल्लाह यजअल्लाहु मखरजा, नोट फरमाया जे यजअल्लाहु मखरजा وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, दो फायदे बतौर खास ने। नंबर एक, मुश्किलात विच फसिया, बीमारियां च फसिया, परेशानियां च फसिया, अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने मुत्तकी बन जाओ, मैं इन्हां सारियां परेशानियां चो निकलन दे रस्ते आसान कर छड़ांगा। मिसाल दे तौर ते सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह जिथे तेरे प्यारे लेटे ने उन्हां ते रहमत दियां बारशां नाजल फरमा। जनाबे खलीलुर रहमान अलैहिस्सलाम दोवें जी, हजरत माँ जी सारा ये हजरत खलील अलैहिस्सलाम दी पहली सौजा मोहतरमा साड़ी अम्मा जान, हजरत माँ जी सारा और जनाब खलीलुल्लाह आप तशरीफ ले जा रहे ने। और मारूफ वाकया रस्ते दे अंदर एक जालिम और जाबर हुक्मरान नाल वास्ता पिया, ओदे हवारिया ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हां दा कानून और दस्तूर ए वे के अगर औरत ज्यादा खूबसूरत है उस औरत ते कब्जा करके खामद नू कतल करवा दिता जांदा। जनाब खलील उर रहमान अलैहि सलाम फरमान लगे सारा गल ए वे के मेरे कोलो ना पुछे भी ये कौन है, ते मैं क्या मेरी भैन है। वजह ए वे के इस वक्त जमीन दे सीने ते तौहीद या तेरे दिल विच या मेरे दिल विच, कायनात विच दूसरा इंसान कोई नहीं। हालात दा तकाजा है और अगर तेरे कोलो पुछन ते तू भी यही सवाल दा जवाब देना। हुन मां जी सारा सलामुल्लाह अलैहा, वैसे भी मैं सीरत दी किताब च पढ़िया मां जी इंतहाई खूबसूरत सन, बल्कि बाद ने ते लिखे है हजरत सारा इन्निया खूबसूरत सन इंज मालूम हुंदा सी कि अल्लाह ने पूरी दुनिया का अद्धा हुसन कल्ली मां जी सारा नू अता फरमा दी। इन्निया खूबसूरत सन हजरत मां जी सारा सलामुल्लाह अलैहा रजी अल्लाह ताला अन्हा। मां जी नू इस जल्लाद और जालिम दे बेडरूम तक पहुंचाया गया। जनाबे खलील अलैहिस्सलाम नू अलग कमरे दे अंदर ठहराया गया, हजरत मां जी दे हुसन दी ताब ना ले आ सकिया, ते बेसबरी नाल ए जालिम अगे बढ़िया, मां जी दी तरफ अपना हथ बढ़ांदा। अल्लाह दी कसम उस जमाने अंदर खलीलुल्लाह नालों ते मां सारा नालों वड्डा मुत्तकी केड़ा हो सकदा है। ओना तो बढ़ के मुत्तकी कौन है, परहेजगार कौन है। जालिम अगे बढ़न दी कोशिश करदा है ते मां जी ने तारा अपने रब नाल जोड़ लिया ने। अरशां वाले रब्बा मैं अपनी जवानी दी हिफाजत कीती है, बार अज तक मैं हिफाजत कर दी रही हाँ, ते अरशां वाले इन्ना बंद कमरे च अज मेरी इज्जत दियाँ आप रखवालियाँ कर। जालिम मां जी की तरफे बढ़िया ते जल्दी जमीन ते डिगा ते लर्जा बर अंदाम हो जांदा है।
कहन लगा बीबी मैं माजरत खावा गलती हो गई है, मैं समझ रहा ये जड़ी मेरे ते अजमैश ते तकलीफ आई है तेरी वजह तो आई है, मैं वादा करना वा आइंदा तेरे ना बुरी नजर ना नहीं वेखांगा, एक बारी मैनू मुआफ कर दे। ते मां दी सोचिया भई ये बेईमान जे मर गया ते ता साडे गल नवी मुसीबत पै जानी है, दुआ कीती अल्लाह इस जालिम नू सेहत दे दे। रब ने सेहत दी, दोबारा फिर हरकत कर दिया, फिर जमीन ते डिगा, एक दफा दो दफा तीन दफा, बल्कि एक बड़ी अजीब मैं गल पढ़ी एक किताब अंदर, ये हजरत मां जी सारा नू कहन लगा बीबी जेड़ा मेरा माबूद है जिदी मैं इबादत करना मैं ओनू पुकारन दिया ओ ते मेरी सुनदा नहीं, खोरे किते ध्यान लगा ओ ते मेरी सुनदा नहीं खोरे किते ध्यान लगा, ते जेड़ा तेरा माबूद है कदम कदम ते तेरिया सुनदा है पिया, कदम कदम ते तेरिया सुनदा है पिया। मां जी नू कहन लगा बीबी गल एवे मैं तेरे ना वादा करना दोबारा तेरी तरफ नजर नहीं उठावांगा, एक दफा दो दफा तीन दफा हरकत कर दे, ते बिलाखर अपनी शर्मिंदगी मिटान वास्ते नाल दे साथियां नू कहन लगा तुसा मेरे कोल कोई शैतान ले आंदा है, अस्तगफिरुल्ला ये औरत नहीं इनू मेरे कोलों ले जाओ। ते हजरत मां जी सारा नू अपनी बेटी बाज ने किया लौंडी बतौरे खादमा दे नाल टोर दिते। हुन हजरत मां जी सारा परेशानी दा आलम है, ते जनाबे खलीलुल्ला जिस कमरे दे अंदर तशरीफ फरमान मां जी नू उथों तक पहुंचाया गया, ते सैयदा हजरत सारा अपने शौहर दे सामने खड़िया ने सर झुकया होया कि मेरा शौहर की सोचते होंगे, मैं उस जालिम दे बेडरूम अंदर वक्त गुजारिया ते मेरे खामद मेरे मुतालिक की सोचते होंगे। अल्लाह दे खलील फरमाते ने हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाया, जनाबे खलीलुल्लाह फरमाते ने सारा घबरान की लोड़ नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, सारा जो कुछ हुंदा रहा अल्लाह ने दीवारा मेरे लिए शीशे दियां बना दीतियां ने, रब ने सारा मंजर मैनू अखी वखा दिता है। मुत्तकी बन जाओ अल्लाह मुश्किलात विचों निकलन दे रस्ते आप ही आसान फरमा देंगे। एक ते नंबर दो वा यार जो को हो में ना है सोला अल्लाह उतों रिजक अता फरमानगे जिथों बंदे दे वहमो गुमान विच ही नहीं। नबी अलैहि सलाम दे सहाबी ने ते हुजूर अलैहि सलाम को लाए ते आके अर्ज कर देने सोनियो मेरा बेटा दुश्मन दी कैद विच आ गया, परेशानी बड़ी है, ओदी मां सारी सारी रात सौ के नहीं वेंदी, और जान दियो औलादा वालियो जिन्हां दे बेटे गुम हो जान फौत हो जान ते ओते शायद भुल जान कदे, ते जेड़े गुम होए ने दूर गए ने उन्हां दियां यादां कदम कदम ते सतांदियां ने, फौत हो जान आ बंदा चार बुक मिट्टी पा लैंदा है, फौत तो जान आप कब्र दफना लैंदा है, ते किते ना किते दिल नू चैन सुकून ते सबर आ जांदा है, ते जेड़े गुम होए ने उन्हां दी यादां कदम कदम ते सतांदियां ने, और इसे वास्ते आंदे ने हाथीं दफन जिन्हां नू करिए, ओए हाथीं दफन जिन्हां नू करिए लथे आस तिन्हां दी, गुम होया दी तांग हमेशा पल पल पई सतांदी।
अल्लाह दे प्यारे नबी जी मेरे बेटे सालिम दी मां रो रो के अपनियां अखां खराब कर रही है कि रात वेले रात दे टाइम हवा नाल भी किते दरवाजा हिलदा ते कमले वांगू दौड़ पैंदी है और मेरा बेटा सालिम ही कितों आ गया। महबूब सोने परेशानियां बड़िया ने मेरे पाक पैगंबर अली सलाम ने एक नुस्खा भी दसिया सोने नुस्खा भी पल्ले बन के लै जाओ फायदा मंद जे पल्ले बन के लै जाओ। आप फरमाते ने पढ़िया करो ते ओदे तक पैगाम पहुंच सकदा ते ओनू भी आखो पढ़िया करे ला हौला। ओए मुश्किलां च फसियो परेशानियां च फसियो बीमारियां लाचारियां च फसियो पढ़िया करो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। पढ़िया करो क्योंकि ताकत सारिया ना तेरे कोल ने ना मेरे कोल ने ना किसी बादशाह ते हुक्मरान कोल ने सारिया ताकत दा मंबा कायनात दा कल्ला अल्लाह ही है। मेरे आका फरमांदे ने पढ़िया करो पढ़ते रह हजरत सालिम आंदे ने हुण वेखो जरा रब रिजक उत्थों अता करदे ने जिथों बंदे दे वहमो गुमान अंदर भी नहीं। हजरत सालिम आते ने मैं एक दिन कैद में ही सते एवें ख्याल किया मैं वेखा तो सही दरवाज़ा हो सकता खुल जाए। आते ने मैं दरवाजे नू हाथ लाया तो दरवाज़ा खुलदा चला गया। हुण अगला खतरा तो खदशा ये भी बाहर कोई दरवाजे ते पहरेदार ना खड़ा होए कोई गनमैन कोई मुहाफिज ना खड़ा होए। अंदर ने मैं दरवाजा खोल के एक कदम बार रखिया सज्जे वेख्या खब्बे वेख्या कोई पहरेदार तो नहीं ते कोई भी नहीं ते मैं दौड़ ला दीती है दरवाजे खोलन वाला कौन है बोलो कौन है। दौड़ लाती पिंडा च जेडे बजुर्ग कोई पिंडा नाल मुतालक ने कोई वास्ता रखते ने उन्होंने शायद पता हो या नवी फेसबुक वाली कौम नूं ते हुण नहीं पता होना। पिंडां च लोग गर्मियां च बतौरे खास बैग बिठांदे सन जमीन दे अंदर कलर पाउण वास्ते। आंदे ने पिंडों दूर जरा फासले ते इन्हां दे जानवर बैठे ने बकरियां ऊंट बैठे ने। मैं समझिया भी मौका बनिया ऊंट ते बैठा ते माल डंगर अगे लाया ते मैं लैके टोराया ते दरवाजा रात वेले आके खड़काया ते दरवाजा हिलिया ते मान दिए इंज लगदा कि ते सालिम ही मेरा आ गया। ते फिर आपे ही रो के आंदी है एडी चंगी किस्मत कितों सालिम ते दुश्मन दी कैद विच बाप ने आके दरवाजा खोलिया ते सामने बेटा सालिम खड़ा है। बेटे ने बाप ते बाप ने बेटे नू गले ना लगा ओ पुत्रा आ इन्ना माल डंगर तू ते काफरां दी कैद विचों आया इन्ना माल डंगर कितों लै के आया। कहन लगे अब्बा जी इंज इहदा किस्सा बनिया दे मेरा हाथ पै गया ते मैं सारिया नू हिक के लै आंदा जे हुण साडे वर्गा घुसदा ना वह आंदा नुकरे ला दे किसे नू पता ना लगे। पर वो नबी दे सहाबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहन लगे लै आया ए हलाल है कि हराम है सानू नहीं पता उदों तक मैं इन्हां नू हाथ भी नहीं लाना जब तक आमिना दे लाल कोलों मसला ना पुछ लवां। सुभान अल्लाह। हुण मेरे पाक पैगंबर अली सलाम दे कोल आए सारा किस्सा सुनाया कायनात ते इमाम ते कुरान नाजल होया वा मैयत अल्लाह मखरजा जड़े मुत्तकी हुंदे ने तकवा इख्तियार करदे ने अल्लाह जुल जलाल उन्हां नूं उत्थों रिजक अता करदे ने जिथों उन्हां दे वहमो गुमान विच भी नहीं हुंदा।
जाओ जाके खाओ पियो मौज करो ऐश करो सब तुहाडे वास्ते ही है। यानी तमाम तर इबादत की बुनियाद वह है तकवा। तकवा ते नमाज का फायदा, तकवा ते रोजे का फायदा, तकवा हज जकात सदकात खैरात का फायदा। और अगर खुदा न खास्ता दिल विच तकवा नहीं ते तमाम इबादत रायगा जान गिया। अल्लाह सानू सारिया नू दिलां दा तकवा नसीब फरमाए और किताब सुन्नत दे मुताबक जिंदगी बसर करन दी तौफीक नसीब फरमाए। साडे बुजुर्ग अब्दुर रहमान साहब इन्हां दी वालदा मोहतरमा उन्हां वास्ते दुआ फरमाना अल्लाह उन्हां ते अपनियां रहमतां दा नुज़ूल फरमाए। साडे भाई अबू बकर नौजवान अल्लाह इन्हां नू औलाद नरीना जैसी नेमत अता फरमाए। दीगर जितने औलाद तो महरूम जोड़े ने अल्लाह सब नू अपने खास रहमत और फजल नाल औलाद नरीना अता फरमाए। बीमारां नू अल्लाह शिफा अता फरमाए। मुदस्सर इस्लामिक सेंटर इत्थों तुहानू उलमाए किराम दे तकीरां दे मैमरी कार्ड अगर कोई भराना चाहे तो मिल सकते ने। इस तरह लायलपुर सी डी सेंटर इत्थों भी मैमरी कार्ड के अंदर उलमा दियाँ तकीरां तुसी परवा सकते हो। मुदस्सर इस्लामिक सेंटर इन्हां वास्ते दुआ करो अल्लाह इन्हां नू नेक साले औलाद अता फरमाए। घड़ी चलदी चलदी इत्थे रोकी जानी है जदों रुकनी है इंशाअल्लाह फिर सही। सुभानक अल्लाहुम्म व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صل عليه أذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما। अल्लाह साढ़े तमाम बीमारा नू